महंगाई के मारों पर महंगाई सरकार का एक और वार। नाम के सस्ते स्टोर पर अशियाए खुरनोश मजीद महंगी कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 33 रुपए फी किलो महंगा। कुकिंग ऑयल की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। सुर्ख मिर्च 73 रुपए फी किलो महंगी। टूथपेस्ट और शेविंग क्रीम की कीमत में 20-20 रुपए का इजाफा। काजू का 200 ग्राम का पैकेट 47 रुपए और मिल्क चॉकलेट 5 रुपए महंगी। कीमतों में इजाफे के फौरी इत्तला का नोटिफिकेशन जारी। महंगाई के नए रेले ने अवाम को चकरा दिया। सर्दी आई नहीं कि गैस पहले महंगी कर दी। महंगाई में पिसे आवाम के लिए एक और झटका। एलपीजी 3 रुपए फी किलो मजीद महंगी। एलपीजी की नई कीमत 120 रुपए फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 34 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 130 रुपए का इजाफा। ओग्रा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी की कीमत के खिलाफ साजिश का नोटिस लिया जाए। चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्री एसोसिएशन इरफान खोखर का मुतालिबा। महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दवाइयों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अवाम बिजली और गैस का बिल देने के काबिल नहीं रहे। दो वक्त की रोटी का हसूल इम्तिहान बन गई। लोगों की सफ़ेद पोशी का जनाजा निकाल दिया गया। हमने महंगाई का मसला हल कर दिया था। लोगों को सस्ती अशिया दस्तियाब थी। आज अवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। नवाज शरीफ ने हुकूमत को निशाने पर ले लिया। वीडियो लिंक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ के साथ सलूक पर दुखी हूँ। जो कुछ हो रहा है उससे हमारे जज्बे मजीद बढ़े हैं। पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना दिया गया है। नवाज शरीफ ने लंदन जाकर वादा खिलाफी की। इलाज कराया और न मेडिकल रिपोर्ट्स भेजी। अब वो तंदुरुस्त हैं और सियासी तकरीरें भी कर रहे हैं। उन्हें वापस आ जाना चाहिए। हमारे यहाँ कोरोना का भी इलाज है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर सेहत ने कहा कि नवाज शरीफ को अदालत ने मफरूर करार दिया। शहबाज शरीफ की जमानत भी अदालत ने मुस्तरद की। नैब हमने बनाई ना उसूल बनाए। जब आप नूराकुशी कर रहे थे तो नैब को खत्म कर देते। हुकूमत किसी इदारे पर असर अंदाज नहीं हो रही। हुकूमत के खिलाफ सियासी महाज गरम। नून लीग की सीईसी का अहम इजलास। किसी भी फर्द की गिरफ्तारी पर सख्त रद्द अमल और एहतजाज का फैसला। नवाज शरीफ की क्यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। पार्टी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को इलाज के बगैर पाकिस्तान आने से मना कर दिया। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जारहाना किरदार अदा करने की हिदायत। मरीम नवाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कठपुतलियों का निज़ाम मजीद कठपुतलियों को जन्म देगा। वोट किसी और को डाला जाता है, निकलता किसी और जमात का है। इजलास के बाद शाहिद खान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दौरान ट्रायल गिरफ्तारी का क्या जवाब है। नून लीग मुल्क को हुकूमत से निजात दिलवाएगी। एहतजाज के बाद लॉन्ग मार्च भी होगा। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मईशत तबाह हो चुकी। नून लीग मुल्क से फरार और शीन लीग कैद है। अब मीम लीग खुल कर खेलेगी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर मरियम नवाज खुश हैं। मफाहमती सियासत को मरियम नवाज ने तबाह किया। फयाजुल हसन चौहान का 50 से ज्यादा अरकान असेंबली और सेनेटर्स के हुकूमत से राबतों का भी दावा। कहा कि अपोजिशन अकवाम मुतहदा चली जाए या केटू पर चढ़ जाए, एनआरओ नहीं मिलेगा। कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज की इजाज़त होगी। पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक चली तो दुश्मन कुव्वतों का आलाकार बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्राइमरी स्कूल में तदरीसी अमल का पहला रोज मुकम्मल। 201 रोज पास खुलने वाले सरकारी स्कूलों में बच्चों की सेहत दाव पर लग गई। महकमा स्कूल एजुकेशन कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। गवर्नमेंट इस्लामिया गर्ल्स स्कूल ग्वाल मंडी में तालिबात बगैर मास्क स्कूल पहुंची। स्कूल के बाहर कूड़े के ढेर इंतजामिया का मुंह चिढ़ाते रहे। गवर्नमेंट स्कूल बस्ती कचवाना कहना में भी SOPs मुकम्मल नजरअंदाज। तलबा और असातिज़ा दोनों की ही बेएहतियाती की इंतहा। प्राइमरी स्कूल शालीमार टाउन ने भी हुकूमती अहकाम को लिफ्ट ना करवाई।
गवर्नमेंट स्कूल शाहदरा में भी कोरोना वायरस फैलने का खदशा, नन्हे बच्चे और स्टाफ बगैर हिफाजती इकदाम स्कूल आए। निजी स्कूल बने सरकारी स्कूल्स के लिए शानदार मिसाल, प्राइवेट स्कूलों में एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद, नन्हे तलबा मास्क पहनकर स्कूल पहुंचे। बिकन हाउस स्कूल मरातेबली रोड में एहतियाती तदाबीर का मुकम्मल ख्याल, बच्चों को डिसइंफेक्ट करने के बाद स्कूल में दाखिले की इजाज़त दी गई। तमाम तलबा मास्क पहनकर स्कूल आए, समाजी फासले का भी भरपूर ख्याल रखा। एलाइट स्कूल हरबंसपुरा में एसओपीज पर अमल दरामद के मिसाली इकदामात, मास्क पहनकर आने वाले बच्चों का टेम्परेचर चेक किया गया। तवील अरसे बाद तालीमी सरगर्मियां बहाल होने पर तलबा खुश। वज़ीर तालीम का एक बार फिर एसओपीज पर अमल दरामद का दावा। डॉक्टर मुरादराज का शहर के मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा, बोले जो एसओपीज पर अमल नहीं करेगा उस स्कूल को बंद कर देंगे। गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा, तलबा की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। लाहौर एक बार फिर कचरा कुंडी बनने का खदशा, सूबाई दारुल हुकूमत की सफाई में अदम अदायगी आड़े आ गई। अलबेराक और औसपाक के 18 माह की अदायगियों के लिए सीईओ एलडब्ल्यूएमसी को खत, 3 अरब रुपए की फौरी अदायगी का मुतालबा। 15 रोज में मामला हल ना हुआ तो काम बंद कर देंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स की धमकी, औसपाक ने 1000 सेनेटरी वर्कर्स को फारिग करने से मुतालिक भी आगाह कर दिया। सफाई की निगरान कंपनी को 9 दिन बाद सरबराह मिल गया। इमरान अली सुल्तान सीईओ एलडब्ल्यूएमसी तैनात, चेयरमैन सफाई कंपनी का नए सीईओ इमरान सुल्तान के हमराह सफाई इंतजामात से मुतालिक अहम इजलास, डिप्टी एमडी तारिक भट्टी ने ब्रीफिंग दी। कोरोना के साए में डेंगू भी सर उठाने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। पंजाब में अब तक 65 अफराद डेंगू का शिकार हो चुके। 24 घंटों के दौरान 39 नए कोरोना मरीज सामने आ गए। मुल्तान 3, बिहाड़ी 1 और फैसलाबाद में 6 केसेज रिपोर्ट। पंजाब में कोरोना मरीजों की कुल तादाद 99,378 हो गई। भट्टे 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। स्मॉग के खिलाफ तमाम महकमों की मरपूत काविशें नागुजीर हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए। कमिश्नर की जेर सदारत इंसदादे स्मॉग से मुतालिक अहम इजलास। बेसहारा और मुस्तहिक अफराद के लिए अच्छी खबर, इंतजामिया ने शहर में 10 नई पनागाहों में से 3 पनागाहों के लिए बिल्डिंग्स शॉर्टलिस्ट कर ली। डिप्टी कमिश्नर का सर्दियों से कबल 10 नई पनागाहें ऑपरेशनल करने का दावा। ट्रैफिक जैम से निजात, लाहौर में एक और फ्लाईओवर बनाने का प्लान कर लिया गया। पुल शेरावाला गेट से ऑस्ट्रेलिया चौक नज़द रेलवे स्टेशन तक तामीर होगा। फ्लाईओवर की कुल लंबाई 1.5 किलोमीटर होगी। 2 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। 35 कनाल अराजी एक्वायर की जाएगी। वजीर अला पंजाब ने DGLDA को फ्लाईओवर बनाने का टास्क सौंप दिया। रिंग रोड ज्यादती केस, गाड़ी की तस्वीर लीक होने पर हम फैसले, मुदई गवाहों और शवाहिद को महफूज बनाने के लिए नए इकदाम किए जाएंगे। विटनेस विक्टिम प्रोटेक्शन यूनिट बनाया जाएगा। यूनिट में पुलिस, सिक्योरिटी इदारे, फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के नुमाइंदे शामिल होंगे। यूनिट बनने के बाद मुतासरा किसी भी शख्स की शनाख्त को खुफिया रखना मकसूद होगा। वज़ीर-ए-क़ानून का पंजाब में कत्ल के बढ़ते हुए वाक़यात का नोटिस।
काबीना कमेटी बराए अमन अमान से मुतालिक इजलास, चेहलम के जुलूसों और उर्से हजरत दाता गंज बख्श पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा, कत्ल डकैती राहजनी और चोरी के वाकयात को रोकने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं, तमाम RPO जराइम में इजाफा रोकें, हुकूमती रिट बहाल करें, वजीर कानून। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। DG एंटी करप्शन गौहर नफीस की हिदायत पर क्रैकडाउन, NOC के बगैर वसीन रोड पर कायम मलिक अनायत फिलिंग स्टेशन सरबमोहर, अशरफ भट्ट और बाबर फिलिंग स्टेशन को भी NOC पेश न करने पर सील कर दिया गया। रेस्टोरेंट्स के मालिकान PHA के खिलाफ फट पड़े। किरायों की अदम अदायगी को बुनियाद बनाकर सरकारी इमारतों में कायम रेस्टोरेंट्स खाली कराए जा रहे हैं। चेयरमैन लाहौर रेस्टोरेंट्स यूनिटी आमिर रफीक कुरैशी की दीगर अहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, पसंद और नापसंद की बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने का इल्ज़ाम, मुतालबा तस्लीम ना होने पर एहतजाज की धमकी। मियाँ बीवी की लड़ाई ने माँ का दिल पत्थर कर दिया। माँ का बच्चों को मिलने से इनकार, हाईकोर्ट में रिख्त आमेज मनासिर। नारोवाल की अनम शौहर रमजान से लड़ाई झगड़ा करके लाहौर आ गई। शौहर ने अपनी बीवी पर कीमती सामान चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया। खातून ने शौहर के हिरासत करने पर हाईकोर्ट से रुजू किया। शौहर ने 5 बच्चे अदालत में पेश कर दिए। अदालत ने कार्रवाई 10 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। माँ बच्चों को मिले बगैर ही वापस चली गई। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का सालाना इजलास, 9 मुंतखब अहदेदारों ने चार्ज संभाल लिया। मरकजी चेयरमैन आदिल बशीर का कहना है कि कोरोना के बायस बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा, अब बरामदात बढ़ रही हैं। ग्रुप लीडर गौहर एजाज ने अपने खिताब में कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल के हल के लिए तमाम तवानाइयां सर्व करेंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 9 मुंतखब अहदेदारों ने चार्ज संभाल लिया। सालाना इजलास का भी नकाद। इलेक्शन कमीशन सुहेल लाशारी ने इलेक्शन नतीजे बारे आगाह किया। 9 मुंतखब सदर मियां मिसबा कहते हैं कि पोस्ट कोरोना से गुजर रहे हैं। मुल्की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। टैक्स के मसाइल लोकल ब्यूरोक्रेसी से मिलकर हल करेंगे। एहसास मेज़बान शायर और दानिश्वर तारिक अजीज़ का ताज़ियती रेफरेंस, अलहमरा के मारूफ सिलसिले गोशाए ज्ञान की ज़ेर तमाम अदबी नशस्त। मारूफ स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा, हसीब पाशा, नियाज हुसैन लखवीर समेत अहम शख्सियात की शिरकत। और शिकार के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर, महकमा जंगली हयात ने मुर्गाबी के शिकार की इजाज़त दे दी। शिकारी हफ्ते और इतवार को शिकार की सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2021 तक मुर्गाबी का शिकार किया जा सकेगा।